गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज नाउन्स नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स क्या होता है? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ओके, आई राइट हियर डेफिनेशन ऑफ नाउन। डेफिनेशन, द नेम ऑफ ए पर्सन, द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेसेस एनिमल एनिमल्स और थिंग्स स्कॉल्ड नाउन। स्कॉल्ड नाउन, ओके। द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम। प्लेसेस किसी जगह का नाम, एनिमल्स किसी जानवर का नाम, एंड थिंग्स और किसी भी वस्तु का नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ओके, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, all the naming words are called noun, are called noun। जितने भी naming words होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? noun कहलाते हैं। जितने भी naming words होते हैं वो क्या कहलाते हैं? noun, noun कहलाते हैं। अब example देखिए, example देखिए, राधा, राधा इज ए गुड गर्ल, राधा इज ए गुड गर्ल। सेकेंड, दिल्ली इज ए बिग सिटी। थर्ड एग्जाम्पल, रॉकी, रॉकी इज वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। एंड आई हैव अ टाई। मैंने चार एग्जांपल यहां पे लिखे हैं बच्चों। फर्स्ट इज राधा इज ए गुड गर्ल। राधा, राधा क्या है? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम है। तो राधा क्या हो गया इसके अंदर? नाउन। राधा क्या है इसमें? नाउन है। ओके, ये क्या है? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिल्ली इज ए बिग सिटी। तो दिल्ली, दिल्ली क्या है? नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम है। नेम ऑफ प्लेस, तो दिल्ली क्या हो गया? नाउन हो गया। दिल्ली क्या हो गया? नाउन हो गया। फोर्थ में रॉकी इज वाइट इन कलर। रॉकी एक डॉग का नाम है, रॉकी एक डॉग का नाम है। तो ये क्या हो गया? नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल। रॉकी, रॉकी क्या हो गई? नाउन हो गई। ओके, फोर्थ है आई हैव अ टाई। टाई क्या है? थिंग है, वस्तु है। नेम ऑफ थिंग क्या हो गया? नेम ऑफ थिंग। तो ये टाई क्या हो गई? एक नाउन हो गई। ओके, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पे मैं वापस रिवाइज करवा रही हूँ। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ओके, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। मैंने एग्जांपल बताया आपको, राधा इज ए गुड गर्ल। तो राधा क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है। तो राधा क्या हो गया? नाउन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली क्या है?
नेम ऑफ प्लेस जगह का नाम है, तो दिल्ली क्या हो गया, नाउन हो गया। थर्ड इज रॉकी इज व्हाइट इन कलर, रॉकी एक डॉग का नाम दिया गया है यहाँ पर, तो ये क्या है रॉकी क्या हो गया, नेम ऑफ एनिमल हो गया, तो ये रॉकी क्या होगी, नाउन होगी। फोर्थ इज आई हैव ए टाई, टाई क्या है, नेम ऑफ थिंग, क्या है टाई, नेम ऑफ थिंग, तो टाई क्या हो गई यहाँ पर, नाउन हो गई। ओके अब मैं इसी टाई सिखा रही हूँ आपको। नाम अगर किसी लड़की का नाम अगर देते तो वो तो हो जाता
प्रॉपर नाउन के अंदर, बट यहाँ पे किसी का नेम ना देके हमने उनको एक काइंड बताया है, सेम काइंड के लोग बताया है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। इसी तरीके से आप कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ गिवन, इज द नेम, इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन, गिवन टू अ कलेक्शन, गिवन टू ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू ए कलेक्शन और ग्रुप। ये कलेक्शन और ग्रुप होता है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का, एक ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स का ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप का क्या बन गया क्लास, स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है उसका क्या बन जाता है, क्लास बन जाती है। और क्लासेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। तो क्लास क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। ओके, मैं एक बार वापस इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन एंड थर्ड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी पर्टिकुलर नेम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, निशा इज ए गर्ल, निशा एक पर्टिकुलर एक लड़की का नाम है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सेकेंड इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आर द नेम गिवन टू ए पर्सन, एनिमल और थिंग विच आर ऑफ सेम काइंड। जो सेम काइंड के लोग होते हैं बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैंने बताया बॉयज आर मेकिंग नॉइज, तो बॉयज क्या हो गया,